Good morning, myself Dhanu Singh Thakur, DGT Mathematics, JN Pilatus. Today we are going to learn Pythagoras theorem from triangle. As we know that Pythagoras theorem is very important theorem for board examination. हमको पता है कि Pythagoras theorem और दूसरा जो theorem है हमारा वो BPT, ये दो theorem ही इस साल के लिए हमें रखे गए हैं board exam के लिए. तो Pythagoras theorem चलो हम शुरू कर देते हैं स्टेटमेंट से. तो स्टेटमेंट क्या है पाइथागोरस थ्योरम का? इन द राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है उसकी सामने वाली साइड उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं. तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है? तो AC का स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा. तो गिवन हमें क्या क्या है? चलो हम पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं. ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट पी. बी को राइट एंगल है. प्रूव क्या कर रहे हैं? प्रूव प्रूव में क्या लिखना पड़ेगा? हमें प्रूव करना है एसी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो ये प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी. तो ये जो राइट एंगल का वर्टेक्स बी इसमें से हम हाइपोटेन्यूज के ऊपर ही परपेंडिकुलर बना दे रहे हैं. उसको नाम दिया है हमने बी. तो बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी है. तो हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें ये जो छोटा ट्राइंगल है ये छोटा ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर होगा. सिमिलरली ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है ये ट्राइंगल भी ये बड़ा जो ट्राइंगल है उसके साथ ये सिमिलर होगा. लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जब हम प्रूफ लिख रहे हैं तो प्रूफ में वो थ्योरम ना यूज करते हुए पूरा हम उसका डिस्क्रिप्शन लिखें. तो चलो देख लेते हैं इसका प्रूफ. तो आपको स्टेटमेंट पता है तो प्रूफ प्रूफ में देखिए. अभी हमने देखा ये जो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ए बी डी इन ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के साथ ले रहा हूं. तो बड़े ट्राइंगल में क्या करना है? तो बड़े ट्राइंगल में एंगल ए के साथ क्या एंगल इक्वल है? तो एंगल ए इक्वल है ट्राइंगल ए. फिर दूसरा एंगल बी 90 डिग्री है. तो छोटे ट्राइंगल में 90 डिग्री कहां पर है? तो बी में है. जो बच जाता है तो बचता है बी. तो इन ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए डी बी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दैट इज कॉमन. एंगल बी equal to angle B 90 degree each. तो ये जो दो ट्राइंगल है वो दो ट्राइंगल ए ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे. कौन से दो ट्राइंगल? तो ए बी सी ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी बी से. अब हमको प्रूव क्या करना है? तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो मुझे इसमें से ए बी स्क्वायर फाइंड करना है. तो ए बी में कैसे फाइंड करूंगा? तो इसमें फर्स्ट सेकंड है वो तो मिल गया मुझे ए बी. अगर इधर से फर्स्ट सेकंड ले रहा है तो उधर से भी फर्स्ट सेकंड लेना पड़ेगा उसमें आ जाएगा ए बी. अब ए बी स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पर नीचे मुझे ए बी चाहिए. तो सेकंड ट्राइंगल से मैं फर्स्ट और थर्ड ले रहा हूँ. तो इधर से भी फर्स्ट थर्ड लेना पड़ेगा ये हो जाएगा ए सी. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर मुझे मिलता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी. ये बन गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट. तो इसी प्रकार से हम जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसको दूसरे पेज पर ले लेता हूं मैं. हमें इजी हो जाएगा. तो नीचे वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल सी बी ए एंड ट्राइंगल सी बी बी. इसमें भी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंगल है ये वाला. सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री ईच. ट्राइंगल
सी डी ए ये बन गया सिमिलर ट्राइंगल सी डी बी के साथ बाय ये एक क्राइटेरिया। अब पहले इक्वेशन में आपने ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया तो इसमें मुझे बी सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो बी सी कैसे निकाल रहा हूं मैं, सेकंड फर्स्ट ले रहा हूं तो बी सी इधर का भी सेकंड फर्स्ट लेना पड़ेगा बी सी आ जाएगा। अब इधर मुझे बी सी चाहिए तो थर्ड और फर्स्ट ले रहा हूं मैं बी सी, इधर भी थर्ड और फर्स्ट लेना पड़ेगा बी सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर मुझे मिलता है बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इनटू बी सी। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब मैं क्या कर रहा हूं ऐड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। तो इक्वेशन वन क्या था मेरा, यहां से देख सकते हो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इनटू ए बी, ये इक्वेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इनटू ए बी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इन दोनों का अगर मैं एडिशन करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इधर आएगा ए सी इंटू डी सी प्लस ए सी इंटू ए डी। अब देखो इन दोनों में से थोड़ा आगे लिखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी एंड ए सी इंटू ए डी, इन दोनों में AC जो है वो कॉमन है तो दोनों में से मैं AC कॉमन निकाल रहा हूं, तो जो कॉमन है उसके लिए अलग से ये लिख दिया AC, अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है मेरा BC प्लस AD। अब देखो फिगर ये BC और ये AD दोनों मिलाकर AC बन रहा है, तो यहाँ पर AC into AC बन जाएगा, AC into AC तो AC square, तो जो हमें प्रूव करना था, तो क्या प्रूव करना था हमें, AB square plus BC square that is equal to AC square, ये यहाँ पर बता रहा है प्रूव, तो लास्ट में लिख देते हैं हैं इस प्रूव, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, तो स्टेटमेंट से शुरू करेंगे, तो स्टेटमेंट हमारा क्या है, in a right-angle triangle square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल था एबीसी उसमें राइट एंगल बी में था, तो उसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्या कंस्ट्रक्शन किया, तो बी से एक परपेंडिकुलर डाला है जो एसी के ऊपर आता है उसको नाम दिया है डी। हमने क्या किया उसके बाद, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ए डी बी उसको एबीसी के साथ सिमिलर दिखाया, कैसे दिखाया, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दैट इज कॉमन है, उसके बाद एंगल बी 90 डिग्री है, यहां पर एंगल बी 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, तो दोनों दो एंगल इक्वल होते हैं तो बाय ए एक क्राइटेरिया ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं, और सिमिलर होते हैं तो मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने इसमें से फर्स्ट एंगल का ए बी लिया यहाँ पर, तो फर्स्ट सेकंड लेने के बाद मुझे इधर का फर्स्ट सेकंड ए बी लेना पड़ा, अभी ए बी स्क्वायर करना है तो इधर बीच ए बी चाहिए था तभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ए बी स्क्वायर होगा, तो ए फर्स्ट थर्ड लिया तो इधर भी फर्स्ट थर्ड लिया, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी बन गया। सिमिलरली ये जो नीचे वाला ट्रायंगल यहाँ पर एंगल सी कॉमन आता है, एंगल बी 90 डिग्री और एंगल डी 90 डिग्री, तो इसमें से मुझे मिलता है बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, दोनों का एडिशन करने के बाद ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी दोनों में, और इधर ए सी इंटू ए डी दोनों में से ये जो ए डी ए सी था उसको बाहर निकाला तो अंदर बचता है डी सी प्लस ए डी, तो फिगर देखकर हम नॉर्मली देख सकते हैं सी डी प्लस ए डी दैट इज ए सी, तो ए सी इंटू ए सी दैट इज ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है। तो आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू।